आपने आते तो रब न मिलता, आपने आते कुरान न मिलता, आपने आते ईमान न मिलता, आपके आने का जिक्र कर रहे हैं हदीस पाक पढ़ लो। रसूल पाक ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हारा ये एक ही अमल बख्शिश के लिए काफी है। बताओ बेटे, हमारा बच्चा बेनमाजी हो, हमारा बच्चा बदकार हो, हमारा बच्चा शराब पीता हो, हमारा बच्चा पैदा हो, हमें खुशी की इंतहा? नबी पाक के आने की खुशी नहीं है? ये खुशी मनाते हैं हम, नबी पाक आए तो हमें खुशी हो रही है, इसमें गैर शरीक क्या? हाँ, नबी पाक की खुशी है। कुरान पाक ने, दीन ने खुशी का तरीका भी सिखाया है और गम का तरीका भी सिखाया है। हमारा मर जाए ये नहीं दीन में, दीन के अंदर मर जाए दुआ करो, मफरा सवाल करो, सदका करो, खराब करो, इसकी इजाजत नहीं है, दीन इजाजत नहीं देता। खुशी है तो आप बोलो कि मैं डांस कराऊंगा, खुशी है, मेरे बच्चे का हकीका है, डांस कराता हूं। नहीं, हम आजाद नहीं है, हम बंदे हैं, हम अल्लाह के मातहत हैं। ना खुशी अपनी मर्जी से करनी है, ना गम अपनी मर्जी से करना है। खुशी कैसे करनी है? अल्लाह का जिक्र, कुरान सुनाओ, नफल पढ़ो, सदका करो। जब नबी पाक की खुशी करनी है ना, क्या करो? गरीबों को बुला के खाना खिलाओ, खुशी है मुझे। खड़े हो मस्जिद में, अल्लाह अकबर, नफल पढ़ो, मुझे खुशी है, उसका सवाब नबी पाक को बख्शो। खुशी है, अल्लाह का जिक्र करो, खुशी है, किसी गरीब के कपड़े पहना दो, खुशी है, और उसका सवाब रसूल पाक को बख्शो। अब खुशी है तो डांस कर रहा, ये कौन सी खुशी है? नहीं, ना वक्त जाया करना है, इतना कीमती वक्त है ये, जिसका कोई बंदा वैल्यू बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह, ये इसका सवाब जब रोजे के अमन चलेगा ना, अकड़ ठिकाने आ जाएगी। और इसने क्या किया है? अल्लाह ने नहीं किया था, कुत्ते की तरह बकवास कर रहा, भौंक रहा है। नहीं, खुशी करनी है तो कुरान हदीस के मुताबिक, गम करना है तो कुरान हदीस के मुताबिक। ये हदीस पाक कितनी वाजे है कि नबी पाक ने पूछा क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, हम आपके आने का, आपकी पैदाइश की खुशी कर रहे हैं। आप ना आते, या रसूल अल्लाह, कुरान न मिलता, आप ना आते ईमान न मिलता, आप ना आते तो रब न मिलता। नबी पाक ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला, तुम्हारा एक ही अमल तेरी बख्शिश के लिए काफी है। कहाँ जाएंगे यार? फिर एक बार दोहरा देता हूं, अपना बच्चा, अपना पोता, अपना नवासा, जो मुबारक देता है अच्छा लगता है, जो मुबारक देता है वो अच्छा लगता है। वो कोई कह दे ना, सुना तेरा बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा आपको, आपसे मिठाई मांगेगा वो अच्छा लगेगा, मिठाई मांग रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं वो अच्छा लगता है। किसी को पता है मेरा बेटा नेक हो जाएगा? किसी को पता है ये नमाजी बनेगा? किसी को पता है ये अल्लाह का वली बनेगा? और वो जो नबियों के भी इमाम है, रब कहता है तुझे पैदा ना करता, मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता, वो दुनिया में आए, वो दुनिया में आए खुशी ना, ये मिलाद है। फिर जब खुशी होती है तो क्या करना है? अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान पढ़ना है, नफर पढ़ने, सदका करना है, लोगों को खाना खिलाना है, खुशी का तरीका ये। ना इससे हटके खुशी करनी और ना मुंह लटकाना है, खुश होना। समझ गए नहीं बात? ये प्रोग्राम बेटे मैं सब कुछ आप सुनेंगे बोला, खुदा की कसम हजारों लोगों के मेरे पास मैसेज आए, हमें कंसेप्ट ही नहीं था। क्या हमें कंसेप्ट ही नहीं था कि ये जो काम करते हैं ना, जो करते हैं वो गलत भी करते हैं। हमें गलत नहीं करना, हमें उसको ऐसे करना जिस तरह कुरान और हदीस अल्लाह के नबी का हुक्म, ये तरीका कार। इसलिए खोल खोल के बयान करता हूं कि ये काम करना तो ऐसे करना है, इसका तरीका ढंग ये है, ये नहीं है डांस कर रहे हैं। लो भाई, डांस और इस्लाम, क्या ये कोई कंजरों का दीन है? ये कोई नाचुओं का दीन है? ये डांसरों का दीन है? नहीं, हमें वो करना जो कुरान और हदीस ने कहा।